दिनों से किसानों द्वारा पेट्रोल पंप का घेराव। जी हां, पंजाब के मोगा जिला में बाघा पुराना से कोटकपुरा रोड पर बढ़ते रिलायंस पेट्रोल पंपों का लगातार 48 दिन से घेराव जारी है। किसानों से बात की तो उन्होंने बताया कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक हम ऐसे ही अपने हकों के लिए लड़ते रहेंगे और यह धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेंगे। आने वाले 26-27 नवंबर को दिल्ली में केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए मोगा से राजू की रिपोर्ट। इस वक्त खड़े हैं बाघा पुराना तो कोटकपुरा रोड पे, जो कि रिलायंस का पेट्रोल पंप है। किसानों द्वारा 48 दिन हो गए ने अज लगातार इस पेट्रोल पंप का घेराव किया होया। तो तुसीं देख सकते हो कि किसानों ने पूरा लगातार चंगी तरह इनू बिल्कुल ही बंद करके रख्या होया है। तो कृषि कानून के विरोध के विच, जो कि किसान लगातार 48 दिन हो गए ने विरोध प्रदर्शन आपका दिन रात का धरना जारी किया होया। तो तुसीं आप खुद देख सकते हो, मोदी सरकार मरदाबाद, ये सरकारां दिंदियां की हेरा फेरी चार सवी, ये सरकारां दिंदियां की हेरा फेरी चार सवी, काले कानून रद्द करो। तुसीं देख सकते हो लगातार इस पेट्रोल पंप का पूरी तरह तो बहिष्कार तो बंद किया होया। तो किसानों द्वारा कृषि कानूनों लैके लगातार आपके संघर्ष को जारी रखते हुए सारे किसान जिन्हें भी जथेबंदियां सारिया कट्ठिया ने, तो ये लगातार इस तरह ही दिन रात का धरना चल रहा है, जो कि तुसीं आप देख सकते हो मेरे पिछले पासे बैक साइड पर बिल्कुल पूरा पेट्रोल पंप सील किया होया। तो इस दे नाल होर भी कई संस्थावां ने, जो कि इत्थे मेडिकल फ्री कैंप भी लगाया होया नाल कि किसानों नूं किसे तरह की कोई दिक्कत ना होवे, क्योंकि अज लगातार 48 दिन हो गए ने इस धरने नूं ते इस विरोध प्रदर्शन नूं। कृषि कानूनां दे जिहड़े कृषि कानून ने वो किते ना किते गौरमेंट जां केंद्र दी सरकार समझण दी कोशिश नहीं कर रही। ते जदों तक एक कृषि कानून वापस नहीं ले जाएंगे वो तक किसानों का कहना है कि असी इस तरह ही आपके संघर्ष को जारी रखांगे। तो साढ़े नाल इत्थे किसान आगू ने, तो उन्होंने असी गलबात भी करते हैं कि उन्हां दी अगली की रणनीति हो सकती है, तो अगे की ये कदम चुकणगे। सर की नाम है जी तुहाडा? बलकरन सिंह वैरों के किरती किसान यूनियन यूथ विंग का। पिछले महीने की एक तरीक तो असीं लगातार जिहड़े संघर्षां दे विच आ, ते हुण भी लगातार जिहड़ा रिलायंस पंप दा इह लम्मा ही चलदा पैणा। जे असीं आउण वाले टाइम दे विच दिल्ली भी जाणा 26 तरीक तो, पर इत्थे भी बंदे असीं छड के जावांगे। हुण असीं पिंडां दे विच भी फंड इकट्ठा कर रहे हां, पिंडां दे विच तैयारियां कर रहे हां, पर फिर भी इहनूं जिहड़ा धरने नूं लगातार असीं चला रहे हां। बैठक हुई थी वो कुछ भी नतीजा नहीं निकलिया, तो हम अज भी मेरा ख्याल 18 तरीक की मेरा ख्याल बैठक से किसानों की, तो वो कुछ पता लगा कि अगली की रणनीति होगी? अज बैठक किसानों की, तो वो तय करांगे भी दिल्ली किधरले रास्ते राही जाना, शंभू बार्डर आ जां खनौरी जां होर जिहड़े रास्ते हैगे ने, तां उन्हां राही असीं दिल्ली वल नूं वधांगे जिथों तक जाया जा सकिया। क्योंकि जिहड़ी पिछली बैठक हुई है केंद्र दे नाल 7 घंटे मीटिंग चली है, पर उस चो कोई निकलिया नहीं डिसीजन, वो मनाउण ते तुले होए भी आर्डीनेंस जिहड़े सही आ। किसान कहिंदे भी ये विरोधी आ, किसानां दे कड़ी ना कड़ी जुड़ी हुई है, सारे दे सारे आर्डीनेंस आ जिहड़े रद्द होने चाहिए आ, उन्ना चिर जिहड़े साडे संघर्ष आ चलदे रहणगे। तां आने वाले टाइम के संघर्ष असी होर भी तेज़ करांगे, जिन्ना चिर ये आर्डीनेंस रद्द नहीं होंदे, हुण तां कानून बन चुके आ, उन्ना चिर ये कानूनों नूं रद्द कराउण दे लई साडी जिहड़ी आ लड़ाई आ उह लगातार अगे वधदी रहूगी। ये तुसीं देख सकते हो या सुन सक बिल्कुल सुन सकते हो किसानों द्वारा यही कहना कि जदों तक ये कृषि कानून वापस नहीं होणगे उदों तक असी इस तरह ही आपका धरना जारी रखांगे। तो जद्दोजहद दे विच आपके वजूद नूं बचाउण दे विच जिहड़ा कि इहनां दा पुश्तैनी कीता वा उहदे उहनूं बचाउण लई किते ना किते इस तरह संघर्ष जारी रखणगे। कैमरामैन सनी, मैं राजू पासी, मोगा, पंजाब।